भाई थोड़ा ना और बात करते हैं आपके बचपन की कहाँ रहते थे हम लोग भाई उस एरिया में रहते थे, थे कि एक ही रूम होता था जिसमें नहना ही है उधर ये सोना ही उधर ये खाना ही उधर ये खाना ही उधर बन रहा है एक रूम होता था जिसमे तीन चार लोग रहते थे हम और अभी तीनों के तीन रूम है भाई टिकटॉक के टाइम पे भी एक फीमेल क्रिएटर थी जिसके साथ बहुत ज्यादा वीडियोस बनाता था, था और तुम्हारा कुछ लव एंगल भी दिखता था उधर देखो भाई एन दी एंड लौंड़, लॉन्डा लॉन्डे लौंडे होते करते सब दिखाता कोई नहीं बताता हूँ मैं भी एक दिन मतलब एक टाइम पे मतलब ऐसा था कि बचपन में मेरे डैड मुझे उठा के लेके चले गए थे लाइक ऐसा हो गया था कि लड़का पापा के पास रखो और लड़की मम्मी के पास रखो स्कूल जा रहा था तो मेरे पापा आए बोलते चलो बेटा तेरे को थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट डायरेक्ट गायब और मेरी माँ इधर पागलों की तरह ढूंढ रही सेकेंड डे की रात आई यस मेरी माँ दो पुलिस वालों को लेकर उधर पहुँच गया अकेली आधी रात को मुझे लेके गए मेरे पापा मेरे चाचा सब देखते रहे सबके सामने से मैंने बोला हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं इंस्टाग्राम ले लो टिकटॉक ले लो यूट्यूब ले लो रोहित जिन झुड़ के भाई, भाई बोल दिया तूने <laughs> जिन झुर के हाँ भाई भाई ये बड़ा नाम बड़ा हुआ कंफ्यूजिंग है भाई।, भाई बहुत लोगों को बहुत लोगों को मराठी सनने में न तो झ लगता है झ झंझुर के झंझुर के मैं कर लेता हूँ झंझुर के आपने कौन से कौन से वर्जन सुने भाई अपने सरनेम के जैसे अरे बहुत यार मेरे को मतलब बचपन में भी क्लास में भी बहुत मुझे बहुत चिड़ा देते मुझे बहुत गुस्सा आता था बट जब मेरा टीचर मेरा सर नेम एक क्लियरली बोलता था ना तो अच्छा लगता था मुझे कभी मेरे नाम से बुलाया हुआ अच्छा नहीं लगता था <laughs> स्कूल में मुझे झंझुर के बुलाया हुआ अच्छा लगता था क्योंकि बहुत कम लोगों को आता था वो नाम बोलना एक मीम है ना अगर मेरा ना नाम किसी ने सही बोला होता या गलत बोलने में अगर मैंने एक रुपया लिया होता आज मैं करोड़पति होता <laughs> <laughs> सही में भाई और क्या चल रहा है भाई क्या मौज आ रही है क्या लाइफ कैसी चल रही है कुछ नहीं भाई चल रहा है सब अभी भाई थोड़ी आगे की चीज़ें सोच रहा हूँ खुद पे काम कर रहा हूँ तो भाई दौड़ रहा हूँ मतलब रेस में अपने हिसाब से अपने तरीके से बट आप फाइनेंशियली uh, अपने आप को फ्री देख रहे हो अभी कि भाई बहुत कम एज में आपने बहुत अच्छा फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लिया है कि आप बहुत नीचे से उठे हो और uh, अभी उस माइंड में आप फ्री हो या अभी कुछ वैसे फाइनेंशियल गोल्स है कि जो जिस काम से पैसा ज़्यादा आएगा वो वाला काम करना है तो फ्यूचर अप्रोच मतलब कैसी कैसे चल रहा है जोन अभी नहीं नहीं ऑब्वियसली अगर अपन आज इस उम्र में इतना कमा रहे तो सेविंग करना तो बनता है तो. क्योंकि फ्यूचर में तो अपने कोई काम आएंगे ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं उड़ा रहा उड़ा रहा हूँ नहीं उड़ा भी रहा और रख भी रहा रहो साइड में क्योंकि मैं फालतू तो चीज़ों में कभी खर्चा नहीं करता मैं खर्चा करता हूँ खुद पे क्योंकि मैं खुद को नहीं दिखा पाऊँगा तो फिर मैं वो वैसे दिख ही नहीं पाऊँगा तो भले चीज़ कैसी भी हो खर्चा लगे कुछ भी लगे मैं करता हूँ इवन मैं अपने कॉन्टेंट में भी खर्चा करता हूँ मैं खुद पर भी खर्चा करता हूँ मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मुझे वैसा उस टाइम पे अच्छा लग रहा है तो मैं वो कर रहा हूँ अगर नहीं होता तो मैं नहीं करता और ऑब्वियसली थोड़े बिजनेस विजनेस ही सेट करने है एक अपना है ही खुद का ब्रांड जीरो नाइन और बहुत बाकी ऐसे बहुत है जो एजेंसी एजेंसीज भी मुझे ओपन करनी है खुद की और काफ़ी सारे हैं जो छोटे मोटे बिजनेस जो बहुत लोगों के काम हो जाए तो ये सब सोच के रखा है बिज़नेस टाइप और काम को लेके अभी दौड़ रहा हूँ उसमें कि खुद को उस 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 तेज पे देखना यार क्या मैं कर सकता भाई ये बहुत अच्छी चीज है कि अपने आप को इम्प्रूव करना सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत लोग भूल जाते हैं कि भाई कि अपनी कोई एक चीज ठीक कर लो क्या कैसे कर पाए समझ ही नहीं आता और आप कर रहे हो भाई बहुत अच्छी बात है कभी कभी क्या होता है पता है ब्रो अपन ना दूसरों का देख देख के अपना टाइम बिता देते तो वो चीज मुझे नहीं लगता है सही है तुम उतना टाइम अगर खुद को दोगे तो तुम खुद को चेंज कर पाओगे ना यार तुम सिर्फ दूसरे को देख रहे हो चेंज हो रहा है नहीं अच्छा तो ये रियलाइजेशन ये रियलाइजेशन भी जब थोड़ा पैसा कमा लेता है बंदा तभी आती है कि यार चल अब पैसा अपने ऊपर लगाता हूँ चलो ठीक है अभी कह सकते हैं कि आपने बहुत कम टाइम स्पैन में अगर कंपेयर करें मासेस के साथ सही पैसा बना लिया मासिस अभी क्या चल रहा है जो रेगुलर लोग लैंग्वेज अगर लेमिन लोग की बात की जाए सालों लगा रहे जिंदगी बिता रहे हैं पचास साल के पहुंच गए थोड़ा पैसा कमाया चलो अब अपने ऊपर लगाते हैं लेकिन टाइम तो बचा नहीं तो अपन लोग थोड़ा ये कह सकते हैं कि हाँ क्विकली रियलाइज़ कर लिया पैसा कमा के अपने ऊपर लगाना वर्कआउट करो और क्या क्या करते हो आप अपने ऊपर पैसा लगाने से क्या क्या चीज़ें आप आती हैं उसमें बताओ थोड़ा शॉपिंग करना वर्कआउट करना अपने ऊपर और क्या क्या कैसे कैसे स्पेंड करते हो पैसा अपने ऊपर मतलब वही अगर तुम जा किधर इधर रहे उसके हिसाब से समझो कोई इवेंट आया तो यार मेरे को ऐसा खुद से बातें करते हुए नहीं यार मैं हूँ रोहित झिजूर के हो मेरे को दिखना पड़ेगा मैं अगर ऐसे ही जाऊँगा तो क्या क्या इमेज रहेगी और मुझे पता है कि लुक वाइज किसी की इमेज नहीं रहती इज्जत बनाना बहुत बड़ी बात है बट मुझे ऐसा लगता है कि इज्जत तो ऑब्वियसली बनानी है अपने को इज्जत तो बनानी है बट मैं खुद को वैसे प्रिटेंट कर पाऊँ दिखा पाऊँ कि नहीं यार हूँ मैं भी हाँ मतलब मैं कुछ तो हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ आज नहीं होता तो मैं आज ये नहीं होता कुछ कर ही नहीं पाता तो आज मैं ये नहीं होता मैंने कुछ किया तभी मैं आज ये हूँ तो मुझे वैसे खुद को आपकी भाई रील भी एक वायरल हो रही है ईशान खट्टर भाई का आपका मतलब कि रोहित का स्वीट जेस्टर ईशान खट्टर के लिए आगे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने को सीनियर है अपने कोई भी हो यार इंडस्ट्री का कोई भी हो जो अपने अपने को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा भले लोग ज्यादा जानते हैं या कम जानते फर्क नहीं पड़ता तो भाई आप अपने आप को कैसे देखते हो एज एन एक्टर देखते हो एज एन इन्फ्लुएंसर देखते हो क्योंकि मतलब आपका मेन जॉनरा जो है वो रील्स है आप रील्स को भी नेक्स्ट लेवल शूट करते हो मतलब वो जस्ट एन अदर रिएक्शन वीडियो या वो सब नहीं होता उसमें भी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हो तो आप अपने आप को एज अ क्या प्रेजेंट करते हो जब देखा जाए तो एक्टर देखते हो ओ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा बचपन से ना मेरे को एक ही ऐसे होता था कि मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं एक चीज़ थी मेरे में कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना होता था बचपन से एक चीज़ थी पता नहीं एक, कैसे था एक एक चीज़ मतलब मुझे कौन सी कौन सी चीज़ें ना क्विक समझ आ जाती थी और मैं उनको अपने माइंड में रखता था किसी की भी बातें तो मैं कुछ भी अलग अलग करता था और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता था कि वाहू मैं अलग कर रहा हूँ सबसे और सब मुझे नोटिस कर रहे तो वही मैंने शौक शौक में स्टार्ट किया था अपना ये पूरा जो वीडियोस तो तब जैसे हालात है वैसे मैं करता गया फिर मुझे समझता गया कि नहीं हम इसमें ये चीज़ डालेंगे तो ऐसे बनेगा और अच्छा बनेगा फिर अपन वापस इसमें ये चीज़ ऐड करेंगे तो और अच्छा बनेगा टिकटॉक से ही शुरू किया हाँ टिकटॉक से स्टार्ट किया मतलब समझने लगे कि लोग कैसे बना रहे हैं हाँ उस क्वालिटी है तो अपने को भी ये क्वालिटी देना पड़ेगा और अच्छा और और पॉलिश दिखेगा कंटेंट तो मैंने अभी तक जो मेरा टिल लास्ट कंटेंट है वो मेरा पहले से बेटर ही होगा और थोड़ा पॉलिश ही होगा और मैंने अभी ये चीज खुद को रोक दी है इधर रोक दी मतलब पूरी तरीके से नहीं रोकी है बट मैं जो टाइम उसमें दे रहा था मैं अभी किसी और में दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी कुछ और करना है लाइक like, पहले मैं रील्स में करता था ना पहले मैं ऐसे करता था अब मैं ऐसे काम करूंगा और अभी मैं अपने खुद के वॉइस में खुद एक्टिंग करके खुद के डायलॉग्स पे काम करूंगा तो डायरेक्ट अभी मुझे वो काम करना है तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें दे रहा हूँ और अभी जो मैं फटूंगा ना भाई वो बहुत खतरनाक तरीके से फटूंगा इतना मुझे खुद पे भरोसा है इसलिए मैं उसको टाइम दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ अगर मैं किसी चीज़ को टाइम दे रहा हूं ना तो दिल से दूँ और वो चीज़ वैसे निकलेगी क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया उसकी इज्जत की भाई ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं राज जाऊँ मुझे पता है ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं फटूंगा मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर अपने को क्यों किसी को पूछने की ज़रूरत है भाई जब अपन को पता है अपन क्या है सही बात है तो भाई मतलब जैसे आप एज एन एक्टर अभी आना चाहते हो ये कि तो ऐसा नहीं कि मुझे एक ही चीज को पकड़ के रखना ऐसा नहीं कि मुझे एक्टर ही बनना है लाइक बनना है एक्टर बनना है दिल से बनना है लाइक उसमें भी मैं और बनूंगा भी तो मैं वैसा वाला बनूंगा या तो वैसा वाला बनूंगा बीच का तो बनूंगा ही नहीं बनूंगा तो वैसा बनूंगा या तो नहीं बनूंगा तो मुझे वो देखना है खुद में और मैं हमेशा खुद पे देखता हूँ कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं और मुझे लग रहा है मेरे मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है मैंने अभी वर्कशॉप किया भाई छः दिन का एक्टिंग वर्कशॉप भाई वो छः दिन में ना मैंने बहुत कुछ फील किया और सबसे बड़ी बात कि मैं खुद को मिला लाइक मतलब वो तुम मतलब एक्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि वो तुमको खुद से मिलाती है वो तुम्हें बताती है कि यार तू इस टाइम पे इस इमोशंस में इस टाइम पे तो ये इमोशन फील कर रहा है इस टाइम पे तो ये बता रहा है मतलब तुम्हारा खुद का इंसान बताती हो लाइक like मैं उधर बैठा था बट मैं था कहीं और लाइक like मैं अपने साथ बैठा था वैसा फील हुआ था तो तब मुझे लगा और मैंने उसके बाद जो एक्ट किया तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया मेरे गुरु ने मुझे अप्रिशिएट किया तो मुझे लगा नहीं कुछ कर सकते तो मैं अभी इसमें और और टाइम दे रहा हूँ बट भाई थोड़ा आपके बचपन को जानते यार थोड़ा बताओ अपने बचपन के बारे में कैसे क्या स्कूल में भी आप इतने एक्टिव थे एक्टिंग को लेके या लिप सिंकिंग को लेकर कैसे था भाई मैंने स्टार्ट कब किया आपको पता है 2018 या 19 में तब तुम स्कूल में था ही नहीं तब मैं जॉब करता में था बट बचपन तो में ना मूवीज देखने का शौक था और पढ़ाई में तो ध्यान था ही नहीं क्योंकि अपनी संगत ऐसी थी और जैसी संगत वैसा क्योंकि क्या होता है अभी की सिचुएशन में ना अगर कल उठ के मैं पेरेंट बनता हूँ मैं तो मैं बच्चों को टाइम दूंगा यार अभी कमा के रख दूंगा जो मेरा उन उनके साथ टाइम आएगा मैं उनके साथ टाइम दूँगा उनको बताऊंगा कि दुनिया क्या है क्योंकि अपने बचपन में अपने को पता ही नहीं था क्या है अपने को गली के अलावा स्कूल के अलावा और माँ बाप पापा या मम्मी शाम को आएगी जॉब से और मम्मी आएगी तो मम्मी बेचारे दिन भर थकी हुई पूछ ही नहीं रही पहले एक पूछती ही जितना उससे पूछा जाएगा कि भाई क्या पढ़ा क्या नहीं अपन झूठ भी बोल देंगे तो उसको क्या पता चलेगा तो वो एक गलती हो गई ना गलती किसी की मतलब ना मैं, आ आ ना मैं मम्मी को दोष दे रहा हूँ दे रहा हूँ तो तो ना मैं खुद को दोष दे रहा इसीलिए थोड़ा मतलब वही पढ़ाई में ध्यान नहीं था ज्यादा घूमते थे सब दोस्तों के मैं ट्यूशन बंक करवाता था चलो किधर कोई नदी दिख गई नहा इतना इतना पानी होता था नहा लो क्या है क्या जानेगा स्कूल में ये वो

तो आज मैं उसको रखना चाहता लाइक मैं आज तेरे को खिलाऊंगा तो वो है उसके साथ लाइक मेरे टाइम पे उसने मेरे को खिलाया था यार तो याद है बचपन की चीजें तो कितने साल की दोस्ती हुई भाई मेरे जो दोस्त है ना वो मेरे उन्नीस साल से दोस्त है अरे वाह लाइक जब से पता है दुनिया के चड्डी में थे तब से दोस्त है एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से दोस्त है और एक चड्डी दोस्त है लाइक बिल्डिंग का ही दोस्त है तो दोनों आज भी साथ है और एक दो जो, जो साथ रहते हैं वो एक पाँच साल से दोस्त थे एक चार साल से दोस्त थे नए दोस्त कोई नहीं है जो है अपने पुराने नहीं hmm. उनके साथ ज़्यादा बैठता हूँ जब जब मेरा अकेला टाइम हो मैं उनके साथ ज़्यादा बैठता हूँ सूरज जाता हूँ उनके साथ बैठता हूँ भाई थोड़ा ना और बातें करते हैं आपके बचपन की कहाँ रहते थे कैसा माहौल था बचपन की और बाैतियाँ बताओ कैसे इन्जॉय करते थे कुछ गहराई में बातें करते हम लोग भाई उस एरिया में रहते थे कि जहाँ पे अगर कोई काम अच्छा करने जा रहा है ना उसको पीछे खींचने वाले लोग लाइक गली एरिया में लाइक थोड़ा स्लम एरिया में मतलब जहाँ पे हर पंद्रह दिन में क्राइम हो रहा है किस तरह का क्राइम एक मर्डर हाफ मर्डर आज पता चल रहा है कोई अपने मतलब समझो आज मैं आपको इधर मिला आप कहीं झगड़े करते हुए मुझे दिख रहे हो ठीक है कई लड़ाई कर रहे हो आप यार यार ये लड़का कल उधर लड़ाई कर रहा था परसों देख रहा हो वो मर गया अच्छा गैंग होती थी वहाँ पे एक तरीके से जहाँ पे आप रहते थे गैंग नहीं होती थी मतलब हर किसी को भाई बनना था आज मेरे जो क्लासमेट थे ना जो सिक्स में आज वो भाई उधर के लाइक वो, मतलब वो अपना खोल के बैठे उनका अपना है। एक हो उसके पास जाएगा।, तो जाएगा और ये भाई लोग वसूली करते वसूली वसूली नहीं करते वो अपने अपने भाई है जो कि तो सबसे बड़ा भाई तो पुलिस है सबसे बड़ा भाई तो पुलिस है ये लोग अपने आप में भाई है पर भाई भी है मतलब डेरिंग भी है ऐसे ऐसे तो भाई जब छोटे होते और आप... वो मतलब सॉरी सॉरी वो मैंने देखा है बट मैं नहीं चाहता था कि मैं वैसा बनूं क्योंकि मैंने बचपन में बहुत खराब दिन देखे थे तो मुझे कैसे खराब दिन बा, बा, बात मतलब वही गरीबी देखी यार मतलब अच्छे दिन नहीं देखे क्योंकि वही एरिया में रहते थे, थे ना मतलब सब आजू बाजू सब गरीबी ही थी कोई है किस्सा बचपन का जो बैठ गया वो आपके दिमाग मतलब मैं वही पूछने वाला था कि भाई जब वो ख़राब दिन थे तो आपने कुछ सोचा हो कि यार जब मेरे पास पैसा आएगा मैं ये चीज़ करूँगा और वो कर लियो कुछ ऐसा हाँ मतलब वही जो कुछ कुछ दोस्त जो थे पैसे वाले उनको देख के भी एक, अभी होते ही है यार अगर कोई अपना दोस्त के बहुत पैसे वाले यार वो लोग फैमिली खुश है सब कोई टेंशन नहीं है अच्छे अच्छे कपड़े पहनते तो वो एक वो एक अलग फील होता था कि यार अपने क्यों नहीं फटाके फोड़ रहे दिवाली में ज़्यादा उनके कितने कागज जमा हो रहे हैं फटाखे के कि अपने कितने चो, कितने छोटे कागज़ है अपने ज़्यादा फटाखे नहीं फोड़े तो हम लोग क्या करते थे दूसरी गली से वो कागज़ उठा के लाते दिखा थे दिखाते थे कि हम लोग ने ज़्यादा फटाखे फोड़े।, फोड़े जबकि पता है हमने फोड़े ही नहीं है तो वो भी एक बुरा लाइक सबको दिखाने के लिए हाँ दिखा देते बट खुद को पता था ना यार अपन ने ज़्यादा अंदर एक वो होता था कि यार मैं डाउन हूँ ये अगले बंदे पैसे वाला है ये तो फिर लाइक फिर भी पर मम्मी से जितना होता था लाइक ऐसा कभी मम्मी से शिकायत नहीं रही कि हम लोग को क्यों नहीं पटाखे ला कर हमको पता था यार नहीं अफोर्ड कर पाएंगे इतना सारा तो जितना उससे होता था वो करती थी बट अंदर बहुत ऐसे लगता था लाइक त्यौहारों में ज़्यादा करके खाना भी मैटर करता है ना त्यौहारों में अच्छे अच्छे खाना बनता है हमारा टॉप खाना होता था दाल चावल और आलू की सब्जी और रोटी ये हमारा टॉप खाना होता था दिवाली वाली में ये हमारी एकदम छत्तीस भाव वाली थाली थी उस टाइम पे तो समझ लो इस टाइम पे तो उस टाइम लगता था यार और दोस्त लोग अच्छा अच्छा खाना मिठाई विठाई बट रही है घर में सब तो वो उस टाइम पे लगता था त्योहारों के दिन तो जिस दिन पैसा अलग होना मेरी माँ को देखूंगा धज के वो सबको मिठाई बांट रही है खाना खा रही है खिला रही है अच्छा अच्छा खाना सबको बुला रही है वो टाइम देखना था मेरे को तो वो टाइम देखा भी भाई देख रहे हो तो वो कैसे सेलिब्रेट करा जब आपके फर्स्ट आपकी कमाई से दिवाली आई आपने भाई उस टाइम पे मतलब जो घर में चीजें हो रही थी दीदी घर से जा रही थी मम्मी रेडी हो रही है सब हो रही है लाइक हम तीनों एक दूसरे को देख के इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ऐसा दिन देख रहे यार हम लोग जबकि एक ही रूम होता था जिसमें नहना ही है उधर ये है सोना ही उधर ये खाना ही उधर ये खाना ही उधर बन रहा है एक रूम होता था उसमें तीन चार लोग रहते थे हम और अभी तीनों के तीन रूम है <laughs> तो बहुत बड़ी बात है यार पहले पहले तो जब बड़े घर में शिफ्ट हुए ना नहीं हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा था अभी छोटा लगता है पर तो उस टाइम पे पे तो तो आपने सूरत में में ही लिया पहला घर घर अपना हाँ, मतलब रेंट पे, जब बड़े में रहने गए क्योंकि मुझे वो एरिया से निकलना ही था क्योंकि मेरा नाम हो चुका था तो बहुत लोग मुझे रोकना चाह रहे थे अच्छा हाँ क्या कहते थे लोग कुछ बताओ मतलब वही तू हमको फॉलो क्यों नहीं करता मेरे पूरे टाइम पे कभी किसी ने मुझे पूछा नहीं बट जब मेरा नाम बनने लग गया मुझे बोलते हमको फॉलो नहीं करता हमारे साथ घूमता नहीं ज़्यादा एटीट्यूड आ गया तुझमें ऐसी ऐसी बातें हो रही रात तो रात को मेरे घर के बाहर आके खड़े रहे मेरी मॉम को बोल रहे अरे रोहित को बोलो ना बाहर आए हमको लेके जाना है उसके साथ बात करनी है मेरी माँ बोलती थी नहीं नहीं वो नहीं आएगा लाइक मैं मैं बहुत गु़स्से वाला लड़का हूँ मेरे को मेरे को बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई मेरे घर पे आके इसे इतने तमड़ी में आके बोले कि रोहित को बाहर निकाल हमको लेके जाए नहीं उस टाइम पर मेरी माँ ने मुझे रोका था बट उस टाइम पर कुछ ना कुछ हो जाता था मेरे से बट अच्छा हुआ नहीं हुआ बहुत अच्छी बातें नहीं हुआ मेरी मोम ने रोका मुझे बट मैं मुझे नहीं अच्छा लगेगा कैसे कोई रात को आके इतने देरिंग में मुझे बोलेगा घर के बाद इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं मैं इधर से ही निकल जाता हूँ ठीक है फिर आ, आपने रेंट वाला एक बड़ा हाँ फिर मैं अच्छे अच्छे घर में गया थ्री बी एच के गया अच्छे घर में गया फिर उधर जब रहा लाइक गणेश जी का विसर्जन करके इधर फिर हम लोग उधर शिफ्ट हुए तीन चार साल हो गए हमको उधर बट अभी लिया है सूरत में घर जो वो कितना बड़ा लिया वो फाइव बी एच के

सही मतलब अपनी चीज़ें लिए जा रहे हैं घर वालों का ख्याल नहीं रख रहे ये अच्छी चीज़ है आप भाई ये काम है ये अपना काम है उनका काम उन्होंने किया मेरी माँ ने अपना काम कर लिया अभी मेरा काम है मेरे को करना पड़ेगा उम्र जिंदगी और मैं इसको अपना लाइक बहुत लकी भी हूँ कि मैं अपनी माँ को इतना खुश रख पा रहा हूँ और ये मेरा काम है मुझे करना है भगवान ने मुझे मौका दिया है कि नहीं तुझे ये काम करना है बहुत बड़ा तेरी माँ ने बहुत बहुत बुरे दिन देखे अभी तुझे भी उसको अच्छे दिन दिखाने लाइफ टाइम तो मुझे वो करनी है वो चीज़ भाई थोड़ा बताओ ना जैसे आप बुरे दिन की बात कर रहे हो थोड़ा कोई ऐसा दिन गया हो जो बड़ा ही जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो ऐसा कि भाई अब ये बहुत हो गया यार लाइफ तो ऐसा नहीं मतलब लाइफ पहले से भी थी क्योंकि लाइक मॉम और डैड का लव मैरिज था और मतलब मॉम उस टाइम पे छोटी थी ना तो समझ नहीं आई उस टाइम पे शादी वादी कर लिए हो बट पापा ड्रिंक बहुत करते थे तो ये बहुत लड़ाई वड़ाई लड़ाई होती थी मम्मी ने अपने घर वालों के मर्जी के बिना शादी की थी ना तो ये लड़ाईया होती थी बहुत सारी पापा वो ड्रिंक करते थे कभी ड्रिंक छोड़ा ही नहीं उन्होंने फिर फिर दीदी दीदी का जन्म हुआ देन फिर मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे हम बच्चे थे फिर भी पापा लाइक लड़ाई होती थी मम्मी पापा की प्रॉपर मारपीट हाँ प्रॉपर अल्कोहलिक उनकी उसकी वजह से उनकी डेथ हुई ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, थे और मैंने लाइक एज अ फादर तरीके से भी बहुत समझाने की कोशिश की कि मत करो यार अभी हो गया ना क्यों करना है तो नहीं सुनते थे वो और मैंने बोला भी कि अगर आपको पीना है तो आप लाइक देखो एक साथ तो नहीं छूटेगी ना पर धीरे धीरे करके रोज घर पर बैठ के भी हो शांत रहो वो शांत नहीं रहते थे यार रोज कलेश होता था घर पर रोज़ तो वो भी रोज़ रोज़ देख के नहीं अच्छा लगता था रोज़ मामा मार हो रही है पाप गाली दे रहे हैं मुझे गाली दे रहे हैं दीदी को गाली दे रहे हैं नहीं अच्छी बात है ना यार तो उस टाइम पे मैंने बहुत गलत रिएक्ट किया बट अभी मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं करना चाहिए था पापा ने ये सब चीज़ें है कि नहीं तो बहुत बुरा लगता है कि यार बाप का जो करते हुए वो करना चाहिए था hmm. तो वही ना मुझे बचपन से एक ही चीज़ देखी तो मैं वही मानते आ रहा हूँ यार मेरे को पाप ही नहीं पता है क्या है hmm. लोगों को लगता है कि लाइक पापा की हमेशा बुराई करता रहता है मैं पूरा ही नहीं कर रहा मेरे को जो दिखाई दे रहा है मैं वो बोल रहा हूँ hmm. मैं पूरा ही नहीं कर रहा मैं अपने आप को वो सैड प्रिटेंट नहीं कर रहा कि यार पापा क्या है चीज़ है आई नो मुझे नहीं पता है बट मेरे को जो है मैं वो बोल रहा हूँ तो वही लाइक अगर मैं बनूंगा लाइफ फ्यूचर में तो बेस्ट फादर बनूंगा सपोर्टिव फादर बनूंगा ये मेरा सपना है वाह यार अच्छा भाई एक चीज़ बताओ आ, ऐसे माहौल से निकल के ये वीडियोस का ट्रेंड में आना ये डिसीजन कैसे आया किसी को देख के इन्फ्लुएंस हुए कि भाई मैं भी वो बना रहा है मैं भी बनाता हूँ या कुछ आ, कैसे आया ये चीज़ कि भाई ये टिकटॉक की चीज़ पता चली है इस पर वीडियोस बनाते हैं क्योंकि उस टाइम अर्निंग का तो पता भी नहीं था हम लोगों को कि भाई अच्छा इसके कोई हमें पैसे भी देगा वीडियो बनाने के वो आपकी लाइफ में कैसे आया आ, भाई मैं मतलब जॉब करता था ना तो उस टाइम पे खाली टाइम होता था दोपहर तो को तो नई नई चीज़ आई थी टिकटॉक मैं सूरत में जॉब करता था साड़ी के साड़ी के फैक्ट्री में अच्छा। ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ बहुत लोगों को पता भी ये चीज़ तो उस टाइम पे मुझे खाली टाइम मिलता था ना तो तब नई नई टिकटॉक चीज़ें तो मैं वीडियोस देखता रहता था देखता रहता था और मूवीज़ का भी मैं बोला शौक था मूवीज़ भी देखते रहता था तो डायलॉग क्या मैं कभी कभी ऐसे ही सिंग करता था बचपन में भी जब मैं मूवी भी देख रहा हूँ ना मतलब बचपन में बचपन की बात बता रहा हूँ मूवी भी देख रहा हूँ ना तो मैं हीरो के साथ मैं भी डायलॉग बोल रहा हूँ मतलब एक मूवी मैंने पचास साठ बार देखी है और आज भी देखता हूँ कोई कोई मूवीस बहुत अच्छी लगती है चाइल्ड फेवरेट मूवी मुझसे शादी करोगी ये सब संजू बाबा के वास्तव हो गई लाइक अगर संजू बाबा डायलॉग बोल रहे तो मैं भी डायलॉग बोल रहा हूँ उनके साथ सब दोस्तों देख रहे थे क्या बड़बड़ा है तो वो है तो वो शौक था तो वो डायलॉग्स मुझे दिखने लगे मैं चल मैं भी बनाऊंगा यार मैं भी डालूंगा इस पर तो मैं डालता गया डालता गया मतलब कुछ हुआ नहीं मैं शौक के लिए बनाता था मेरे को ऐसा फेमस फेमस कुछ नहीं पता था ना होगा ना मेरे को कभी पैसा वैसा भी नहीं सोचा था बिल्कुल हाँ पता ही नहीं था ना कुछ ये गेम क्या है बस शौक के लिए बना रहा था ना मैं बट मैंने बोला ना कि बचपन से एक चीज़ थी कि कुछ अलग करूँगा hmm. तो मैं बनाते गया वैसे कि लाइक स्लो लाइक मैंने एक वीडियो मैंने गेम तो पता ही नहीं थी कि वायरल कैसे होते वीडियोस बट तब एक चीज़ थी कि स्लो मूव वीडियो बहुत चलते थे आईफोन लोगों के पास नहीं होता था ना तो स्लोमो वीडियो अगर किसी ने डाल दी तो बहुत बड़ी बात होती थी माँ का समझ ने स्लोमो कैसे किया वीडियो स्लो कैसे चल रहा है बहुत बड़ी बात थी तो एक मेरी वो स्लोमो वाली वीडियो वायरल हो गई क्योंकि मेरे दोस्त के पास था आईफोन सिक्स करके फ़ोन था जो बचपन का दोस्त फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला तो उसके फ़ोन में शूट करके मैंने पोस्ट कर दिया तो उस पर आ गई थी मुझे लाइक्स हंड्रेड के लाइक्स जैसा हो गया था अरे यार इतने सारे लोग मुझे लाइक कर रहे हैं फिर मेरे कुछ चस्का लगने लग गया बनाते क्या बनाते क्या मेरा कुछ हुआ नहीं लाइक एक बार अच्छा लगा लोगों दो बार 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 नहीं अच्छा लगेगा फिर पता चला कि अलग करेंगे तभी दिखेंगे यार तो वही मैं अलग करते गया लाइक प्रॉपर डायलॉग्स पर वीडियो बना गया स्लो मो करते गया फिर उसके बाद पता चला नहीं अभी ये करेंगे फिर प्रॉपर मतलब उसमें चीज़ें डालता गया ये चीज़ें डालेंगे तो क्या फिर लड़की लाते गया फिर दोस्त लोग लाते गए दोस्त भी वीडियो बनाते गया। मतलब करते गए करते गया करते गए वो उस टाइम पे भाई मैं करते गया ना आज तक मैं कर ही रहा हूँ मतलब वो कंटेंट देखो और आज का कंटेंट देखो बहुत फ़र्क है भाई कभी खुद का पुराना कंटेंट देखकर जैसे मान लो ठीक है यार सबने कॉन्टेंट बनाया सब एक नए एक ऑफ टाइम पे थोड़ा क्रिंज थे और ये वेट टाइम चेंज हुआ है क्रिंज की भी वैसे अपनी अपनी परिभाषा आपके लिए कुछ क्रिंज है मेरे लिए कुछ नहीं है ना कभी आपको लगता है कि अपना पुराना कंटेंट देख के यार ये क्या करा यार मैंने यार ये मैंने क्या बोला आपको भाई उस टाइम पे वो हालात थे ना तो उसने मैंने किया अगर मैं वो सब चीज़ें नहीं करता तो मैं आज ये नहीं होता आई नो मैंने बहुत अभी 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 मैं देखने जाऊँ तो वो नहीं देखा जाएगा मेरे से ना मैं देखता हूँ नहीं देखता मैं बट मैं इज्जत भी करता हूँ उस चीज की कि अगर मैं उस यहाँ तक वो करके ही पहुंचाऊँसली वो है और... अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो वो जायज है जो मजा उड़ा रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो हर कोई नहीं समझ पाएगा लोगों को बस डिफरेंस दिखेगा सही बात है पर उसके पीछे भी एक कहानी है कि उस टाइम पे वैसे हालात इसलिए बना रहा था आज की वीडियो देखो आज की वीडियो देखोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा आज सब करेंगे। उस का तो यही बोलेंगे। और भाई हमेशा से यही रहा है, जैसे हम, भी, हम भी देखते थे इमोशनल तो तो ही कि भाई भाई का दिखा दिया या ब्रेकअप दिखा दिया या कुछ तो ऐसा क्यों की यार रो गए आप, नहीं आप नहीं हो, नहीं। हो आप खुद भी ऐसे इमोशनल हो इंसान इमोशनल ऑब्वियसली भाई अपन लड़के यार अपन तो इमोशनल होते ही है हर लड़का कहीं ना कहीं इमोशनल होता है तो भाई जो मैंने पहले बताया कि ये वो दिन भी देखे है तो वो देख के भी थोड़ा डर भी है एक यार अपने वो दिन भी देखे आज ये भी देख रहे तो वो मैं उस, उस बीच में ही हूँ ना मैं ज्यादा हवे में हूँ ना मैं बहुत ही नीचे हूँ मैं बीच में मुझे पता है मैं वो भी हूँ मैं ये भी हूँ तो मैं बीच में ही हूँ भाई एक बात बताओ जब आपने इतने टफ डेज देखे और टिकटॉक से पॉपुलैरिटी फेम और पैसा बहुत सारा एकदम आ गया मतलब एक होता है ना इंसान स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है तो उसे समझ होती है कि अच्छा इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे बचाना कहते हैं ऐसा लॉस होता है और आपके साथ सब कुछ एकदम रैपिडली हुआ और बहुत यंग एज में हुआ तो वो कैसे हैंडल करा आपने उस टाइम क्या स्टेट ऑफ माइंड था जब एकदम से ब्रांड्स आने लगे ऑब्वियसली ऐसा भी होने लगा कि आपके नाम से लोग आपको कम दे रहे हैं आपके नाम से ज़्यादा उठा रहे हैं कि ये इतने व्यूज़ दे रहा है हमें तो पता नहीं होता तो वो फेज कैसा था जब मनी इन्वॉल्व हुआ इन चीज़ों में मैं वही बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था गेम के मुझे बस पता था कंटेंट बनाना है mm -hmm. बट मुझे पता नहीं था मतलब अर्निंग गेम क्या है और अर्न में कर रहा था क्योंकि मैं क्वालिटी मतलब क्वालिटी अपने कंटेंट में दे रहा था ना तो वो बहुत सारे वीडियोस दिख के आते थे और उस पर रीच आती थी एंगेजमेंट बहुत सही है अपना मतलब कुछ भी वो मेरा क्राउड बहुत एक्टिव है क्योंकि मैंने वैसा रखा है वो वेट करते कि ये क्या बनेगा नेक्स्ट तो मेरी मेरा इंगेजमेंट देखे ब्रांड्स बहुत अच्छा ऑफर देते दे थे मुझे और बट मुझे पता नहीं था रकम क्या होती थी तो वैसे बहुत भरोसे टूटे बहुत मैंने बहुत लॉस किया है बट फिर भी मैं आज ऐसा हूँ अगर वो पैसा भी मैं आज पकड़ के रखता तो आज कुछ बात अलग थी बट मैं इसमें भी खुश हूँ कितने लॉसेस हुए कितना आपने देखा यार सीआर सीआर में लॉस हुआ है भाई सीआर में सीआर में हाँ और वो भी उस उम्र में मतलब मैं था बाईस मतलब ऐसा कि एजेंसी ने ज्यादा पैसा उठा लिया आप तक कम पहुँचा कम पहुँचा नहीं मतलब मैंने लिया ही नहीं अच्छा और उन्होंने उठा रखा है उठा रखा है मैंने लिया नहीं ना मैं लूंगा कभी मेरे को पता है मैंने गलत कुछ नहीं किया है और मेरा वो मेरे साथ है वो इससे मुझे वो इससे भी ज्यादा भड़के देगा और मैं आज मतलब मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता बट मैं आज उन लोगों के सामने ऐसे खड़ा हूँ ऐसे नहीं खड़ा वो ये लोग और मैं ऐसा नहीं हूँ मैं आज ऐसे खड़ा हूँ तो वो वो एक चीज़ है वो मुझे खुद पर भरोसा उनके साथ ऐसे खड़ा ना उनसे कम हो ना उनसे ज़्यादा हो ज़्यादा बनूंगा पर कम नहीं बनूंगा वो एक चीज़ है तो आपने कभी ऐसा नहीं किया कि कोशिश करी हो कि मिले आपको आपका पैसा अच्छा भाई भाई, भाई क्योंकि मैंने बोला ना मैंने वो मेरी गलती थी मतलब बोला नहीं मैंने सॉरी पहले मैं क्या करता था जहाँ मैं काम करता था ना उधर मैं रिलेशन बना लेता था कि यार चल तो अपना भाई है यार तो वो चीज़ और जहाँ ये भाईचारा वाला होता है ना तो वो फिर बिजनेस या पैसा कम इन्वॉल्व होता है इमोशंस और दोस्ती तो भरोसा रखने लग गया तो नहीं ले जाओगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि भाई, uh, या ऐसा कुछ मैं नहीं देग करता मैं, लाइफ में चेक साइन के अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है क्यों करना है क्यों किसी के अंडर आना है सही बात है। जब तुमको खुद पे भरोसा है अगर तुम कंफ्यूज हो तो यू शुड डू दिस बट तुम तुमको खुद पे भरोसा है तो क्यों किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा क्यों किसी काम कर रहे हैं सही बात है भाई अच्छा फिर जब सक्सेसफुल हुए आप ग्रोथ आ रही है तो बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं ना कि आ तुझे हमारे साथ घूम मतलब सक्सेस वो भी अपनी जगह सक्सेसफुल ही होते हैं बट वो आपका फेम यूज़ करना चाहते हैं या फिर गलत इन्फ्लुएंस जब आप देखते हो बाहर निकलते हो क्लबिंग कर चले गए आप इंटरनेशनली भी घूम रहे हो तो फाइव स्टार होटल ले गए कि आओ मौज कटाते हैं और ऐसे लोग ऐसे लोग भी आए लाइफ में उसके बाद ऐसे पहले होता था बट अभी मैं नहीं घूमता भाई किसी में ना मुझे पसंद है किसी में घूमना अगर घूमूंगा तो मैं अपने लोगों के साथ ही घूमूंगा पर ऐसा हुआ है कभी कि आपको लग रहा हो मतलब

अगर बात तुम अगर जो चीज़ तुम करते हो करते हो कोई पूछ रहे हैं तो बताओ कोई नहीं पूछ रहे है तो क्यों बताना सही बात है तो अगर आपने अभी पूछा है बट ये पॉट अगर मेरी माँ देखेगी <laughs> <laughs> हल्की हल्की बोल सकते हो <laughs> लिमिट में <laughs> <laughs> मम्मी का चेहरा आ रहा सामने <laughs> परसों वाला एक इंसिडेंस बताता हूँ भाई लाइक हमारे में क्या होता है जब पाप होता है ना आघारी लगाते आघारी बोलना मतलब लाइक like, uh, uh, कैसे बोले है? जला जलाते जो लाइक like, मतलब धुआं धुआं करना होता है आघा देना मतलब तो उस पर खाना वाना रखना होता है लाइक पापा क्या क्या चीज़ें करते थे तो वो सब चीज़ें लाइक like, पापा ड्रिंक करते थे तो दारू डालना होता है उसमें अगर बीडी पीते थे तो बीडी डालना होता है उसमें कुछ भी लाइक जो उनको पसंद है उनका पस, पसंद मनपसंद का खाना डालना है उसमें लाइक तवे में अपना जो गाय का गोबर होता है जो सुखा के जलाते हैं वो जला के लाइक उस पर वो डालना घी भी डालना वो सब पूरा अपने हिंदू इसमें तो होते है यार श्राद्ध करना हो तो तो मम्मी ने बोला बीडी जला के रख दो उस पर तो मैंने बीडी जलाई विद इन सेकेंड खाच खाच डायरेक्ट बीडी जलाई ऐसे लिया भी <laughs> रखा मेरी माँ और खाना बना देती मेरी माँ डायरेक्ट वो क्या होता है वो जिससे ये नहीं 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 जिससे रोटी पलटते चिमटा ही होता है वो हाँ

बॉम्बे जब जाता होगा तब क्या क्या करता होगा मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी नहीं, नहीं नहीं पर अभी वही बात इससे आगे मत अभी ठीक <laughs> है हाँ। भाई वाट लग जाएगी हाँ। है कि नहीं सही बात है अगर कैमरा नहीं रहता कैमरा नहीं रहता मैं सब बता सकता था हाँ। इतनी भी कुछ बड़ी चीज नहीं है हाँ। पर बोल रहा हूँ हाँ। सही बात है बट घर वाले देखते ना यार वही चीज घर वालों को है बट माँ को एक डर है कि अपने से कभी ना बोले आ... जिस दिन बोला उस दिन टूट जाएगी मैं, मैं नहीं मैं मतलब ऐसा नहीं भाई मैं किस चीज़ में कुछ भी हूँ ये चीज नहीं है मैं कभी कोई चीज अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं क्योंकि भाई मैं जिस इंडस्ट्री में हूं ना इधर तुमको लोग नहीं सही रहने देंगे या तो फिर लोगों से मिलना बंद कर देना पड़ेगा फिर मुझे क्यों आपने देखा है ऐसा कुछ है अगर भाई तुम कुछ नहीं भाई मैंने बीच में इतना स्ट्रिक्ट आठ महीना मैंने सिर्फ डाइट किया है सिर्फ वर्कआउट किया है कुछ भी नहीं किया है बस बस यही किया है बाकी कुछ भी नहीं किया है और काम किया है बाकी नो ड्रिंक नो स्मोक कुछ भी नहीं तो मैं ऐसा भी रहा हूँ और मुझे उस चीज़ पे भरोसा है तो मेरा कंट्रोल है उस चीज़ पे अगर भाई समझो तुम मेरे खास दोस्त हो तुमने मुझे बर्थडे पार्टी पे बुलाया और तुम मेरे बहुत खास दोस्त हो सब लोग पी रहे बस मैं अकेला नहीं पी रहा और सब लोग फुल डैमेज है फायर है वो तुम्हारी दिमाग की मावें नहीं कर रही पी 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 तुम क्या करोगे उस सिचुएशन में गलत बोल रहे हो भाई ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है और ये कंट्रोल है ये बहुत अच्छी बात है यार लॉन्डो में अक्सर नहीं होता ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे क्लोज फ्रेंड का बर्थडे और तुम उस दिन भी नहीं पी रहे हो अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा भाई पर ऐसा हुआ है कि पी पी ली थी ऐसा हुआ है कि पी वो आप बात आगे मत बढ़वा डिसिप्लिन <laughs> में कुछ नहीं बस डिसिप्लिन इधर है सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है भाई सही बात है मौज मस्ती करो डिसिप्लिन इधर रखो वो देख रहा है उसको फॉलो करना है और उसको फॉलो करोगे तभी आगे बढ़ेगी सही बात तो वो एक चीज़ है भाई वैसे ही बात होता टिकटॉक के टाइम पे जैसे बहुत लोग वीडियोस बनाते थे आपका एक जॉनर अलग था कुछ लोग अलग ही था कि भाई चाटे वाटे फेल रहे हैं एक दूसरे को भाई, भाई लड़कियों को ले, 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 ले जापट भाई वो भा अलग ही लगता और एक एक बंदा भाई पीठ के पीछे से निकल रहा है अलग आवाज अलग मुंह बना रहा है फिर गुस्से वाला बना रहा है आपको देख के लगता था भाई ये क्या ही हो रहा है यार। नहीं भाई लगता है ऑब्वियसली पर भाई मैं बोल रहा हूँ आज लोग सिर्फ दौड़ रहे देख नहीं रहे कि कंटेंट क्या बना रहा है आज देख रहे वो एक एक लड़का है इतना मुझे पता है कि गुजरात है ये पता है वो बस ऐसे कैमरा उसको देखेगा दूर होगा फिर डांस करना चालू होगा उल्टी टोपी पहन के पता है डांस करना चालू करेगा फिर अचानक जोर से डांस करेगा पता होगा आपने देखा होगा उसको भाई देखा होगा वैसा भी याद नहीं हाँ नहीं। 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 उल्टी टोपी पहनता है हाँ कोई भी गाने में डांस करता है और जोर से डांस करता है उसको पता है लोग मेरे को देख रहे लाइक कर रहे कमेंट नहीं पड़ रहे सिर्फ देख रहे हैं लाइक देख रहे व्यूज देख रहे हैं अरे मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसे लोग मुझे उसको ये नहीं पता है कि लोग फन उड़ा रहे हैं उस चीज का उसको ये पता है कि बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं तो वो वही कर रहा है ये चीज हो गई है भाई आजकल लोग ना नेगेटिव कमेंट्स को भी ये देख रहे हैं कि मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है और करते जाओ लगे रहो आज कंट्रोवर्सी भी खुल के हो रही है, आ, like, वो दिखा रही है पर लोग भी इतने पागल देख रहे पता है, कुछ होने नहीं वाला लास्ट में फिर भी लोग देख रहे हैं सबको पता है, ये चल रहा है। आ, में अभी बीच में इंस्टाग्राम गैंगस्टाग्राम हो चुका था कोई किसी को बोल है तो मेरे को इधर नहीं मिल कोई लोकेशन भेजी जा रही है किसी को कुछ ये नहीं बोल रहा ना मैं किसी को कुछ डेडिकेट कर रहा हूँ बट मैं अगर चाहूँ ना लोगों को क्यों बताना है अगर तुमको लड़ना है तो सही बात है है कि नहीं सही बात अगर तुमको पता है तुम तुम्हारा वो दुश्मन है उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है अकेले में जाओ फोड़ो उसको उसमें क्या लोगों को क्यों बताना है मैं इधर जा रहा हूँ उसको मिलने लोगों को क्यों भाई देख रहा है ना सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट आ रही है मेरा अकाउंट बड़ा हो रहा है व्यूज़ आ रहे हैं चल ठीक है अगर लड़ना ही है वाकई में बता भी रहा हूँ मैं मेरा ये भी हो रहा है

आजू बाजू वाले जो सराउंडिंग लोग थे इसी के मतलब एरिया के लोग पहले तो अपने एरिया में फेमस होते हैं फिर 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 शहर में hmm. फिर, फिर जिले में फिर बात फैलती है मुझे लगा कि अच्छा तुम तो गोली मार रहे हो अपने अंदर तुम गैंगस्टर हो बगल वाला जो देख रहा है वो है कर भाई क्या कर रहे हो तुम वो भी पंप देख के रखते फिर जब आगे आगे बढ़ते तुमको नए लोग मिलते ना भाई बहुत कम लोग मिलते हैं जो तुमको खुल के बताएंगे कि भाई तुम इधर कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो इधर थोड़ा लाइक कुछ लोगों का समझ आता है कि जानबूझ के बोल रहा है या कुछ लोगों का समझ आता है कि अपने लिए बोल रहा है hmm. तो वो चीज मेरे मेरे को को समझ जो को बोलते गए तो मैं सुधार देगा वो चीज hmm. जब आदमी को पता चलता है तभी आदमी सीखता है अच्छा भाई म्यूजिक वीडियोस भी बहुत करी है आपने थोड़ा उसका एक्सपीरियंस बताओ यार क्या रहता है क्या अलग रहता है भाई कुछ कुछ म्यूजिक वीडियो है ना मैंने सिर्फ करने के लिए करनी है सिर्फ बट कुछ म्यूज़िक वीडियो एक दो तीन म्यूज़िक वीडियो जिसमें मैं सीरियस लाइक बहुत सीरियस होकर किए लाइक मेरा जो लास्ट सॉन्ग था वो भी सीरियस होकर किया था लाइक like, जो लास्ट मेरे थ्री सॉन्ग्स थे वो मैंने सीरियस होकर किया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसमें एक्ट बेटर नहीं दूंगा तो कुछ मतलब ही नहीं करना है सिर्फ नहीं करना है लाइक like, नाम है तो म्यूज़िक वीडियो बन गई फिर वो वो लोग यूट्यूब पे डालेंगे मेरे से दस पंद्रह स्टोरीज डलवाएंगे व्यूज़ आएंगे बस खत्म नहीं।, नहीं नाम चलना चाहिए वो

अगर मेरे को कोई बैठना ही ना सुकून में मैं चाचा लोगों में बैठता था जहाँ मुझे कोई चाचा जानता ही नहीं था चाचा तो कौन होते भाई मतलब चाचा मतलब किनको कहते पचास साल बावन साल अच्छा उन्हें चाचा लोग कहते हैं आप, अच्छा। आप अच्छा अंकल हम तो चाचा ही बोलते हैं कुछ बस अंकल आप थोड़े प्रोफेशनल प्रोफेशनल चाचा जी बढ़िया भाई अब दिल्ली ना आप ऊपर से हो सूरत हम नीचे से अरे नहीं भाई तो चाचा चलो मैं मतलब अगर मैं कहीं खाना वाला कहीं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो देखूंगा चाचा लोग का है आजू बाजू चाचा लोग जानेंगे ही नहीं ना पर वो जियाल मिसकी जब सुना बोलते अरे आप वही हो क्योंकि जियाल मिस्कि ओल्ड सॉन्ग है उसको आपस रिक्रिएट किया ना तो इन लोगों ने न्यू वर्जन भी सुना और वो भी उनको अच्छा लगा तो उनको याद रहा कि ये लड़का उसमें था बोलते आप वही हो ना जियालमस्किन हाँ तो भाई कभी जहन में आया चाचा को अपनी पुरानी वीडियो दिखाता हूँ चाचा को समझ ही नहीं आता कुछ तू तो वैसे आनासी नहीं होता बेटा एक्टिंग तो करके दिखाओ हाँ। <laughs> एक्टिंग है इसमें ये सब है, अभी एक्टिंग करके दिखाओ हाँ। <laughs> भाई टिकटॉक यूट्यूब के टाइम पे क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड था उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि सारे लड़ाई जो चल रही थी हाँ। लड़ाई भी और प्लेटफॉर्म भी फिर मैंने बोला मैं भाई कोई लड़ाई में ध्यान देता ही नहीं क्यों किसी को एंटरटेन करना है किसी को मैंने हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ अगर किसी को करना है बोलना है तो सामने आके बात हो इंस्टाग्राम पे क्या लोगों को क्यों दिखाना है अपन लड़े अपने में बात होगी ना लोगों में क्यों बात देख लेंगे तू कौन है मैं कौन है कर लेंगे उधर वन बाय चांस कोई अगर आपके लिए ही डालता है, कुछ भी, किसी को कुछ बोल रहा था ना मुझे कोई अपन किसी के पैर को पेड़ लगाते नहीं तो अपने पैर कोई क्यों पैर लगाएगा है कि नहीं अपन किसी का नाम लेंगे तभी कोई अपने को बोलेगा ना छेड़ेंगे ही क्यों किसी को अच्छा एक चीज और रोहित भाई की बीच में ऐसा आ गया था मार्केट में कि जो टिकटॉक पे बहुत फेमस हुए वो लोग इंस्टाग्राम पे भी अब ऑडियंस डाइवर्ट कर रहे हैं बंद हो होने वाला था ऐसा सीन हुआ था तो लोगों ने वो एंगेजमेंट लेने के लिए इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स फेक लाइक्स एंड कॉमेंट्स शुरू हो गया था हाँ भाई हमने ऐसा सुना है कि बहुत सारी एजेंसीज भी अपने आर्टिस्ट के डल बहुत सुना है आप किसी को जानते हो आपको जैसे नहीं मैं जानता तो नहीं किसी को बट मैंने सुना है अभी बात बात होती रहती है अभी भाई क्योंकि अगर तुम किसी के दोस्त हो तो तुम्हारा भी कोई दोस्त है

अपन ने वही जो ऑडियंस टिकटर पे थी उधर मैंने डाला एक वीडियो की भाई इसके आगे तो अभी अभी इस, आप मुझे नहीं देख पाओगे अगर आपको कंटेंट मेरा देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो मैं कंटेंट उधर डालते रहूँगा तो मैंने दो दिन में दो लाख क्राउड खींच लिया दो दिन में दो लाख क्राउड तो मतलब, ला तो मतलब मेरे कितने हैं सेवन हंड्रेड या एट हंड्रेड किए थे इंस्टाग्राम पे दो दिन में मिलियन फॉलोअर्स दो दिन में बड़ी बात भाई, बड़ी है भाई बढ़िया लॉयल फैन में से जो कल्ड आपका था वो मतलब पूरा आ ही गया डाइवर्ट हो गया इंस्टाग्राम पे वही और भाई मेरे फैंस भी मतलब मैं कभी उनको फैंस फैंस बोल ही नहीं पाता जब भी मुझे कोई मेरा चाहने वाला मिलता है मैं उससे बातें करता हूँ और मेरे को इतने सारे लोग हैं ना मेरे को कभी ऐसे वो देखेंगे कि मैं कैसे सेफ से मतलब इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए मुझे लाइक hmm. like, वो यही चाहते हैं अगर हम रोहित को मिले भी ना वो इनसिक्योर नहीं होना चाहिए उसने हमसे खुल के बात करनी चाहिए और मैं सबसे खुल के बात करता हूँ अगर कोई मुझे उस तरीके से नहीं अरे रोहित रोहित अरे नहीं शांति से बात कर बात करूंगा शांति से बात hmm. है क्या नहीं तो मुझे वो चीज कुछ -कुछ तो पर आपको लगा कैसे जैसे पहली बार कोई फोटो वोटो तो खींचने आया आप बाहर निकले पहले तो यही होता था ना लोग आपको कहते होंगे भाई मेरे साथ बस एक वीडियो में आजा मेरी वीडियो चल जाएगी हाँ पहले पहले अगर पहले नया नया तो मैं भी हो रहा था फेमस तो मैं भी था अरे चल आ जा चल तू तो भी क्या याद करेगा बट एक टाइम आया जब आपने मना कर दिया कि भाई नहीं यार मना की बात नहीं वो खुद ही समझ गए मना तो मैं किसी को कर ही नहीं पाता और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है अगर भाई तुमने किसी को मना कर दिया मतलब तुम्हारा तुम्हारे इस पर बहुत कंट्रोल है मेरा ये चीज बहुत वीक है कि मैं किसी को मना नहीं कर पाता इसीलिए फिर मैं लोगों से मैंने मिलना ही बंद कर दिया अगर बात ही नहीं होगी तो फिर किसी को मना ही नहीं कर पाऊंगा बट मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि मैं भी मना करना सीखूँ भाई टिकटॉक के टाइम पे भी एक फीमेल क्रिएटर थी जिसके साथ आ, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता था तू और तुम्हारा कुछ लव एंगल भी दिखता था उधर तो फिर वो फिर उससे क्या बनाऊँ वही ना भाई वो कंटेंट चलता था ना तो हम बनाते गए बट हमारे बीच में से कुछ था नहीं बट एक चीज़ में भूल रहा था बीच में कि लोगों को दिख रहा है कि वो लोग मान रहे कि तुम कपल हो इवन ये चीज़ वो मेरी फ्रेंड को भी प्रॉब्लम करती है उसके रिलेशनशिप में लाइक like, उसके बॉयफ्रेंड को भी यही लगता था कि यार अच्छा वो डेट कर रही थी किसी और को उस टाइम पे जब डेट करना स्टार्ट किया जब उन्होंने हमारे ओल्ड वीडियो देखे वो उसको बता रही कि नहीं कुछ ना कुछ था बट फिर भी क्योंकि उसको जो दिखेगा वो बेचारा वैसे ही रिएक्ट करेगा अच्छा। और इवन मे भी उसकी जगह पे होता तो मैं भी ऐसे ही बोलता अपनी बंदी को कैसे हाँ क्या वीडियो वीडियो में क्या है ये सब नहीं चलेगा वो भी सही है अपनी जगह पर और हमें भी जैसे वीडियो जैसे कॉन्टेंट लाइक जैसे वायरल होता गया वैसे वीडियोज बनाते गए बट अभी फिर हमने एक डिसीजन लिया कि भाई अपन बात ही बंद कर देते ना आप लोगों को दिखना ही बंद हो जाएंगे सब बोलना ही बंद कर देंगे भाई ऐसा भी तो कर सकते थे कि वीडियोस नहीं बन रही है लेकिन दोस्ती दोस्ती मेंटेन है दोस्ती है मिलना मिलना नहीं है बट कुछ अच्छा क्योंकि भाई देखो बॉयफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड ही होता है अगर मैं हूं या आप हो या वो है अगर तुम मेरी बंदी के बेस्ट फ्रेंड हो तो मुझे तुमसे एक परसेंट तो इनसिक्योरिटी है भाई भाई को होती, मैं होती बोल रहा हूं, तुम कितना भी कर तुम जाओ, तुम पे जाओ। आ, <laughs> ये वो करता है तलाश की भाई इनकी लड़ाई हो और जो मैं कंधा बनूंगा ना फिर देख तो ये है तो वो मुझे नहीं चाहिए वो टैग तो इसलिए मैंने स्कूल मिलना ही बंद कर देंगे तो तेरे बॉयफ्रेंड को कुछ और वो टैग मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं चाहता कि अगर मेरी भी कोई पार्टनर आए तो वो भी मुझे यही पूछे ये लड़की कौन है सही बात है मैटर सॉर्ट वैसे रहा है कोई सीरियस रिलेशनशिप मेरा सीरियस तो ब्रेकअप हुआ है देखो भाई अपन वैसे बंदे है जो अपने डायरेक्ट शादी वादी का सोचते हैं उस टाइप आज तक कोई मिली नहीं तो हुए तो टाइम वेस्ट समझूंगा मैं इसको टाइम वेस्ट भी नहीं अच्छी भी लगी चीज़ें कुछ और कुछ ऐसा लगता है कि यार बहुत जल्दी जल्दी कर लिया अपन ने तो वही अभी खुद को टाइम दे रहा हो वेटिंग फॉर रियल वन। अच्छा बट इनिशियली जब बहुत सारी अटेंशन मिल रही थी तो फीमेल फैन फॉलोइंग तो भाई खतरनाक है ही आपकी तो बहुत सारे डीएम और अब भी आते होंगे भाई और हमने सुना भाई लड़कियाँ तो कुछ भी भेज देती है भाई डीएम में तो <laughs> <laughs> कुछ ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं वियर्ड एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं इतना भी कोई हद तक नहीं हुआ है कि कोई पीछे ही पड़ गई हो या मैं नष्ट काट रही हूँ रोहित एक रिप्लाई कर दो मैं छत से कूद रही हूँ रोहित एक बेना दाए। आपके सेंड न्यूड्स बोलने से पहले उसने भेज डीएम को ये न्यूडियो <laughs> रोहित सोच रहा यार मम्मी <laughs> पॉडकास्ट देख रही है <laughs> काश <laughs> 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 बट ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है बट देखो भाई एंड दी एंड लौंड लौंडे लोंडे होते <laughs> करते सबे दिखा कोई नहीं पटाता हूँ मैं भी बट सीरियस मैं जब था तब कुछ नहीं करता था क्योंकि मुझे एक एक है कि कोई अगर अपने लिए कुछ सीरियस है तो अपने को भी जरूरी है God इवन इवन मैं अगर रिलेशनशिप में भी आऊँ तो फिर मैं नहीं करूँगा ना ये सब चीज़ अभी मैं बिंदास कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिंगल हूँ मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता ना मैं किसी है। मैं सिर्फ अपनी माँ का सुनता हूँ अभी और मेरा बस तीन दिन में तीन बार यही काम है मुझे अपनी माँ को तीन टाइम कॉल करना है खाना खा लिया मम्मी बताना है तेरा उसका भी पूछना है तूने खाना खाया क्या बस बाकी किसी को नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं अपने मन का मालिक रख ये चीज़ मुझे रखनी है अपनी मैं नहीं चाहता मैं रिलेशनशिप में हूँ कोई और भी मुझे पूछ रही है तो नहीं ये क्यों नहीं किया और मैं जाऊँगा भी तो लड़की भी वैसी होनी चाहिए कि नहीं वो मुझे अपना फ्री टाइम दे रही हूँ मैं भी उसको अपना फ्री टाइम दे रहा हूँ बट ट्रस्ट है और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है ट्रस्ट है बस बेस्ट फ्रेंड हो तो वो उस हिसाब से बेस्ट फ्रेंड हो ऐसा नहीं घुस रहा है पूरा भाई ये लाइन भी तो ऐसी है थोड़ी कि कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके आसपास इतनी चकाचौंध रहती है लड़कियां भी रहती हैं तो वही शक तो लाइक like, मेरी भी लड़की है दोस्ती पर वो मैंने उनकी हिसाब से रखी है और उनके नज़र में भी इज्जत बनाई है और मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ hmm. ना मैं उधर अपनी दोस्ती गंदी गंदी कर सकता हूँ ना कुछ मुझे वो दोस्ती रखना है दोस्ती यह है कि अगर बात चली गई ना भाई दोस्ती में अगर कुछ बिगड़ता है ना भाई तो दोस्ती सुधर भी सकती है बातें करके बट दोस्ती के आगे तुमने कुछ रिलेशन बना लिया और वो बिगड़ गया ना तो लाइफ टाइम के लिए बिगड़ गया और उसके टाइम उसके बाद दोस्त बनना बहुत मुश्किल है तो मैं चाहता हूँ कि दोस्त अगर तुम जिसको दोस्त मानते हो उसको दोस्ती मानो उसके आगे जाओ ही मत अगर तुम मैं है तो आगे जाओ तो जाओ ही मत दोस्ती तक ही रहो तो मेरी लड़कियाँ बहुत दोस्त है जो दोस्ती है जो मुझे कहीं भी मिले तो मैं उनसे अच्छे से बातें करूँगा मेरे से अच्छे से बातें करेंगे उनको मेरे पे भरोसा है कि उनको मेरे साथ कुछ इनसिक्योरिटी नहीं होगी रात भर भी वो मेरे साथ बैठी है तो मैं उसको इनसिक्योरिटी एक परसेंट भी नहीं होने दूंगा मैं कि मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ कुछ नहीं मुझे वो करना ही नहीं है बिल्कुल नहीं करना है तो वो ट्रस्ट है उनको मेरे पे और मेरे को भी उन पे तो ऐसी भी दोस्ती है तो कोई आप किसी के मेल बेस्ट फ्रेंड हो तो उसे वो संतुष्ट मैं बेस्ट फ्रेंड किसी <laughs> मैं बेस्ट फ्रेंड किसी लड़की का नहीं

बॉयफ्रेंड रहता है दूर दूर बॉयफ्रेंड का पता ही नहीं बॉयफ्रेंड भी है बॉयफ्रेंड अपना लगा पड़ा है बॉयफ्रेंड का लग रहा है ये बस घुमाता है मुझे इधर उधर बॉयफ्रेंड बस हाँ चल रहा है देख ले रहा है मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ तो खुश हो जा रही है पर वो बहुत ही खुश हो रही <laughs> है <laughs> सही 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 भाई उस उसकी बात बताओ कि आप एकदम बिल्कुल ही मूवी के रिक्रिएशनल बनाने लग गए कुछ कुछ डायलॉग्स तो वो और एकदम क्वालिटी के साथ वो कैसे करा आपने कि भाई ये मैं बिल्कुल डायलॉग रिक्रिएट करूंगा हाँ वो मतलब वही भाई मेरे को मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस का करा था अपने बीच में वो बहुत तगड़ा लगा था मैं पर्सनली तो मतलब मैं सोचता रहता क्योंकि मैं कभी भाई कभी कोई कॉन्टेंट मगर मुझे आया तो मैंने अगर वो चीज़ उधर सीखी है या फील की है तो मैं उसके ऊपर से वो कॉन्टेंट समझता हूँ या मेरे माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो मैं उसके ऊपर समझता हूँ और ऐसा कर देते हो आप, आप ही <laughs> रोहित होगा तो काम कर रहा है रियल रोहित झिंदूर के जो एक्टिंग खुद कर रहा है अभी तक मैं मैं खुद को पूरी तरीके से मान ही नहीं रहा क्योंकि मैं हूं नहीं पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ और वो जब हुआ ना तब लगे रियल रोहित झिंदूर के ने एक्टिंग किए अपने आवाज में और ये इसकी है तो वो अभी दिखेगा तब आप ये बात बोलोगे तो और अच्छा लगेगा <laughs> बढ़िया भाई वेट करेंगे हम उसका और भाई बहुत मजा आ गया आपसे बातचीत करके यार रोहित भाई मजेदार पॉडकास्ट आपको कैसा लगा बहुत अच्छा भाई आज 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 खुल के बात आज पहला ऐसे पॉडकास्ट है <laughs> भाई आपकी ऑडियंस को भी अलग तड़का मिला है ना हाँ और थोड़ा टेंशन में भी हूँ मम्मी तो नहीं भाई टेंशन मत लो आंटी को भी मजा आएगा मम्मी मैं कहीं नहीं करत <laughs> लड़का बिल्कुल शरीफ और वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हो आंटी कोई टेंशन की बात नहीं है आंटी कह रही अगर जो मैं सोच रही हूँ वो ये है तो हे भगवान ये <laughs> चिमटा गरम हो रहा है घर पे जो वो रील नहीं होती कि कुछ बोलते हैं रोटी के चिमटा गरम हो रही तू सुना तो कर आ जाएगी भाई डेंजर है रानी लक्ष्मी भाई है मेरी मम्मी <laughs> एक दिन मतलब एक टाइम पे मतलब ऐसा था कि बचपन में मेरे डैड मुझे उठा के लेके चले गए थे लाइक ऐसा हो गया था कि लड़का पापा के पास रखो और लड़की मम्मी के पास रखो और मेरी माँ को चाहिए थे दोनों बेटे तो मैं तीसरी हाँ थर्ड स्टैंडर्ड में था स्कूल जा रहा था मेरे पापा आए बोलते चलो बेटा तेरे को थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट खिला के लाता हूँ और मैं था भुक्कड़ चलो पापा निकल गया पापा के साथ पापा सूरत से डायरेक्ट नाशिक ले गए डायरेक्ट गायब अच्छा। और मेरी माँ इधर पागलों की तरह ढूंढ रही है बट मेरी माँ को पता था कि पापा ही ले जाएंगे <coughs> उस रात में सूरत से नासिक पहुंचा पूरी रात चले फिर मेरे चाचा के घर पे जाके सोए सेकेंड डे की रात आई गेस मेरी माँ दो पुलिस वालों को लेकर उधर पहुंच गया अकेली हाँ और मेरे को एक ही आवाज़ दी मैं तीसरे रूम में सोया था एक ही आवाज़ दी बंटी और मैं उठ के मेरी माँ के पास भाग के गया लाइक like, सूरज से नाशिक अकेली आई मेरी माँ जॉब वॉब सब छोड़ के बारिश में भीगी भीगती हुई और इतनी डेरिंग दो पुलिस वाले नाम मेरे मेरी माँ को किसी ने बोला भी नहीं था कि हम तेरे साथ चलते कोई नहीं आया था अकेली नाशिक आके उसने पुलिस स्टेशन के दो पुलिस वाले साथ लेके आधी रात को मुझे लेके गए मेरे पापा मेरे चाचा सब देखते रहे सबके सामने से मैंने बोला ये वही फील है कि जो तुम बहुत बड़ी मुसीबत से तुमको कोई भगवान ले जा रहे लाइक मेरी मेरे, मेरे माँ में बहुत बड़ी चीज़ देखी उस दिन वो डेरिंग लाइक बहुत डेरिंग बाज है मेरी माँ अपने बच्चों के लिए हर माँ ऐसी डेरिंग हो सकती पता है हर माँ में तो वो चीज़ मैंने बचपन से देखी माँ के लिए इसलिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ अपनी माँ की क्रेजी भाई और आप ऐसे ही उनका नाम रोशन करते रहो अच्छा काम करते रहो हम यही चाहते हैं भाई और जो आपका कंटेंट आने वाला है उसके लिए भी बेस्ट विशेष हमारी तरफ भी से आई एम श्योर आपका जो माइंड सेट है और जिस माइंड सेट से आप आगे बढ़ रहे हो भाई बहुत आगे आपका सफ़र और भी अभी आप बहुत तगड़ा फटोगे जैसे आपने कहा और जनता से भी यही कहेंगे भाई ऑफ कोर्स आप रोहित भाई को इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो अगर नहीं कर रहे हो तो जाकर फॉलो कर लो और भाई के यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर भाई का कॉन्टेंट आएगा Uh, कुछ बातें इन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताई थी जो कंटेंट ये प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल चीज़ें आने वाली है भाई तो जाकर सब्सक्राइब कर लो और बस हम बस इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में टिल देन बाय बाय इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना और दैट इज़ इट भाई जाते जाते कुछ कहना चाहते हो यही थैंक यू सो मच भाई लोग बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा आज और कुछ हमें भी मज़ा आया अलग तरीके से बातें हुई एंड आपके क्राउड को भी कहना चाहूंगा प्लीज़ गाइज देखते रहो और जो मेरा क्राउड है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कौन सी बातें अच्छी लगी और जो बातें अगर अच्छी नहीं है तो इग्नोर करो प्लीज़ माइंड में मत रखो और जो सीखने मिला है प्लीज़ उस पर गौर करो अगर मेरी वजह से आपको कुछ सीखने मिला है प्लीज़ उस पर गौर करो ठीक है जी चलो जी बाय बाय सी यू टेक केयर <laughs>